वेलकम गाइस, वेलकम टू द माय अनदर ब्लॉग। दोस्तों, मैं इस समय खड़ा हूँ, जो देख रहे हैं ये अक्षरधाम सेतु है जो नोएडा और दिल्ली से कनेक्ट करती है। इसे नोएडा दिल्ली लिंक रोड भी कहते हैं। और ये जो रास्ता देख रहे हैं सामने, ये है NH709B। और सामने जो रास्ते में जो रोड जो जाती दिख रही है वो है NH9। दोस्तों, ये वही जगह है जहाँ से दिल्ली से देहरादून के लिए हाईवे का काम स्टार्ट हो चुका है और बहुत सा काम कंप्लीट कर लिया गया है। आप देख सकते हैं इस हाईवे के पास जो है जो वॉकिंग ट्रैक है जो है उसे कंप्लीट कर लिया गया है। यहाँ पे पूरा देख सकते हैं कि यहाँ से लेके पूरा आगे तक जो है ये बना लिया गया है। इस तरह का ट्रैक पूरा कंप्लीट कर लिया गया है। और उसके बाद इसके क्या अपडेट है आगे के वो मैं आपको दिखाता हूँ। इस पॉइंट पे देखेंगे, मैंने पिछली वीडियो में दिखाया था कि ये इसके अंदर जो है मिट्टी फिलअप का काम हो रहा है और उस पर पिचिंग का काम हो रहा है। लेकिन आप देख सकते हैं कि अब इस जगह पे वॉल कंप्लीट कर लिया गया है। जो कंक्रीट वर्क है जो वो प्रा कंप्लीट हो चुका है। इसके अंदर आरसीसी वर्क के बाद ये कंक्रीट वर्क वो होता है इसके ऊपर, वो कंप्लीट कर लिया गया है। और जो रास्ते हैं इसके ऊपर जो है अब जो है इस तरह के जो ब्लैक रोड है वो सिर्फ बनने का काम शेष रह गया है। और आप देख सकते हैं कि ये रोड अब यहाँ पे इस तरह से कंप्लीट हो चुका है। बस इस पर आपसे ब्लैक रोड होना ही बाकी रह गया है। और ये रास्ता जो सीधा दिख रहे हैं अभी जो है ये आगे अक्षरधाम मेट्रो स्टेशन के साथ कनेक्ट होके और आगे जो हाईवे का जो फ्लाईओवर बन रहा है उस पर ये कनेक्ट हो जाएगा। और ये गीता कॉलोनी होते हुए, आपका लोनी होते हुए, सहारनपुर होते हुए ये आपकी जो है हाईवे देहरादून के लिए चली जाएगी। तो देख सकते हैं पिछली वीडियो में जो मैं आपको यहाँ का अपडेट दिया था उसमें कुछ भी नहीं था, लेकिन अब जो है यहाँ के हाईवे का काम अब यहाँ पे पूरी अच्छी तरह कंप्लीट कर लिया गया है। आप देख सकते हैं, ठीक है, ये पूरा जो रोड है ये बन के रेडी हो चुका है यहाँ पे। और आप देख सकते हैं पूरा कंप्लीट कर लिया गया है हाईवे का। और बहुत जल्द ही ये पिचिंग होने के बाद इसको फिर आगे जो रोड है उसे कनेक्ट कर लिया जाएगा। बाकी देख सकते हैं ये अक्षरधाम मंदिर का एरिया है, ठीक है, और मंदिर के एरिया के बाहर का जो रास्ता है उसमें इसे कनेक्ट किया जा रहा है। सामने बोर्ड भी लगा है आपका अक्षरधाम का। बाकी इधर बस स्टैंड भी है, ये आप देख ही सकते हैं इस तरह से जो इसका अपडेट है यहाँ का। बाकी इसके आगे क्या अपडेट है वो देता हूँ मैं आपको। बाकी इस तरह साइड से इसके अंदर जो है ड्रिलिंग के वर्क के लिए वॉल बनाया जा रहा है, ठीक है। तो अभी हम कवर करते करते यहाँ तक आ चुके हैं और आगे इसके क्या अपडेट है वो मैं आपको देता हूँ जरा यहाँ का अपडेट्स। ये रास्ता यहाँ ऐसे निकल जाएगा ये मुड़ के। बाकी ये रास्ता से बनाया जा रहा है एक अलग से, इस रास्ते से के साथ ये कनेक्ट हो जाएगा आपका ये हाईवे, ठीक है। अब हम मेन रोड पर आ चुके हैं, बाकी देखते हैं आगे क्या अपडेट है। ये अक्षरधाम मंदिर के एरिया है, ये रास्ता है अक्षरधाम मंदिर के जाने के लिए। ये खेलगांव की तरफ जाने का रास्ता है, ठीक है, और ये जो मेट्रो स्टेशन है सामने, और इसके अंदर ही मेट्रो की जो पार्किंग भी पीछे है। चलिए देखते हैं ये जो पीछे जो मॉल की जो पार्किंग है मेट्रो की, इधर चले जाता रास्ता, और इसके पीछे जो है आपको खेलगांव पड़ता है। ये देखिए, मैंने आपको जो वॉशरूम का अपडेट दिया था मैंने आपको कि हाईवे के सामने जो वॉशरूम है उसको छोड़ के हटा के दिया जाएगा, और उसके लिए नया जो हाई वॉशरूम है ये बन रहा है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ क्या अपडेट्स है चलिए देखता हूँ मैं आपको। तो आप देख सकते हैं कि जो वॉशरूम का काम यहाँ पे अब कंप्लीट हो चुका है और ड्रेनेज वर्क जो है अक्षरधाम मेट्रो स्टेशन के बाहर का ये किया जा रहा है इस जगह पर। अब आगे चलते हैं और देखते हैं क्या अपडेट है इस जगह का। देख सकते हैं जगह ड्रेनेज का वर्क कंप्लीट कर लिया गया है, ठीक है। ये अपना अक्षरधाम मेट्रो स्टेशन के सामने का एरिया है, और ये जो वॉशरूम देख रहे हैं इसी वॉशरूम जो हाईवे के सामने आ रहा है इसे हटाया जाएगा। उसके लिए जो एक नया हाई जो वॉशरूम है वो बनाया जा रहा है। तो जैसे वो वॉशरूम कम्प्लीट हो जाएगा जो मैंने पीछे दिखाया आपको, उसके बाद इसे तोड़ के हटा लिया जाएगा। और बहुत ही तेज़ी के साथ यहाँ पर हाईवे काम किया जा रहा है, क्योंकि जून के अंदर जो है लीक्स निकल के आई है कि जून के अंदर इसको स्टार्ट करना है इस हाईवे को। तो यही वो वॉशरूम है जो मैंने बताया था आपको,
ठीक है। बाकी इस तरह ड्रेनेज वर्क यहाँ कंप्लीट कर लिया गया है। आज संडे के दिन है तो काफ़ी ज़्यादा चहल पहल होती है। आपकी अक्षरधाम मंदिर होने की वजह से लोग दूर दूर से मेट्रो के थ्रू यहाँ पे आते हैं। आप देख सकते हैं काफ़ी चहल पहल है इस जगह पे। और चलिए आपको मैं इसके आगे का जो अपडेट है हाईवे का वो आपको मैं देता हूँ। आप देख सकते हैं ये ड्रेनेज वर्क के लिए ये बड़ी बड़ी पाइपें इसके अंदर बिछाई जा रही है और कितना ज़्यादा इसकी जो गड्ढा कर दिया गया है। लेकिन ये बनने के बाद ये हाईवे जो है फिर प्रॉपर इसकी जो है लेवलिंग में कर दिया जाएगा इस हाईवे को। और ये सामने जो है अक्षरधाम मेट्रो स्टेशन का फुटओवर ब्रिज है। मैंने आपको पिछले वीडियो में दिखाया था कि इस जगह पे जो एक फुटओवर ब्रिज हुआ करता था, ठीक है, लेकिन वो हाईवे के बीच में आ रहा था, इस वजह से वो फुटओवर ब्रिज को अब यहाँ से हटा के ये देख रहे सामने जो है जो सीढ़ी जो है चढ़ने उतरने के लिए उसको यहाँ पे इंस्टॉल कर दिया गया है। और ये हाईवे जो है अब यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है। और पिछली वीडियो में मैं दिखाया था आपको जो इसकी सर्विस लेन है बिल्कुल फूटी फूटी सी थी, लेकिन अब मैं देख रहा हूँ कि बहुत जल्दी इसे कंप्लीट कर लिया गया है। तो चलिए इसके आगे का जो अपडेट है वो मैं आपको देता हूँ। तो दोस्तों ये हाईवे के साथ लगता हुआ जो इसकी सर्विस लेन है, ये देखिए अक्षरधाम का खूबसूरत मेट्रो स्टेशन और मेट्रो आती और जाती हुई। और आपको इस रूट पे मेट्रो जो मिनिमम है आपको 3 से 4 मिनट के जो देरी पे आपको मेट्रो मिल जाती है। पीक आवर में जो है वो मैं टाइम बता रहा हूँ, अदरवाइज मिनिमम 5 से 6 मिनट का टाइम रहता है इसका। और सामने देखिए जो है हमारा वंदे भारत एक्सप्रेस आती हुई, दिखा सकता हूँ आपको स्क्रीन पे, ये देखिए। मैंने बताया था ना ये आपका दिल्ली और बनारस मेन हाईवे जो लिंक रोड है, सॉरी मैं कह रहा हूँ दिल्ली और बनारस वाली जो रेलवे की मेन लाइन है। और जो आपने देखा अभी वंदे भारत आते हुए वो बनारस से दिल्ली के लिए आ रही थी, ये सुबह मॉर्निंग में यहाँ से 6:15 पे इधर से क्रॉस करती है नई दिल्ली से। और देख सकते हैं कि ये हाईवे का पूरा काम इस जगह पे कंप्लीट कर लिया गया है। और जो इसका जो सर्विस लेन है वो भी बना दिया गया है, क्योंकि इस हाईवे का जो सर्विस लेन है दोनों साइड 3-3 लेन की सर्विस लेन जो वो बननी है, और 6 लेन का ये हाईवे है, 3 लेन इस साइड और 3 लेन उस साइड रहेगी। बाकी ये जो देख रहे हैं ये आपका जो है स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, देख सकते हैं कितना सारा जो रास्ता इन्होंने इस हाईवे में कवर कर लिया है इस स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का। दोस्तों ये एरिया बहुत ही डेवलप है। होता क्या कि बाकी जगह क्या होता है कि लोगों के घर मकान तोड़ के हाईवे बना दिया जाता है, उसको उस चीज़ का मुआवजा दिया जाता है, लेकिन दोस्तों ये सरकारी जगह है और ये वेल डेवलप जगह है, इसको तोड़ फोड़ के बनाना काफ़ी डिफिकल्ट है और बहुत ही चैलेंजिंग थी NHAI के लिए इस जगह पे हाईवे का निर्माण करना। लेकिन NHAI इसी काम के लिए जानी जाती है, जो भी डिफिकल्ट टास्क होते वर्क है वो इजीली कंप्लीट कर लेते हैं NHAI। इसके लिए मैं हमेशा तारीफ करता हूँ NHAI का। और इसकी जो हाईवे का काम आपको मैं अपडेट देता रहता हूँ एनी टाइम, चाहे बारिश हो, धूप हो, दिन हो, रात हो, काफ़ी ठंडी हो, फिर भी इन्होंने अपना काम टाइम पे कंप्लीट करके ये दे रहे हैं। और मुझे उम्मीद है कि जो जो टाइम दिया गया है इनको इसके निर्माण का वो अपने टाइम से कंप्लीट कर लिया जाएगा। आप देख सकते हैं दोस्तों ये मैं यहाँ पे खड़ा हूँ और ये देख सकते हैं ये नीचे का एरिया, इतनी सारी मिट्टी निकाल के इस अंदर फिलअप किया गया है। और ये जो गड्ढा तकरीबन यहाँ से नीचे मैं कह सकता हूँ कि तकरीबन 15 से 18 फीट नीचे आ चुका है, ये 20 फीट भी होगा कोई बड़ी बात नहीं है, इतना नीचे ये आ चुका है। तो पूरा मिट्टी से फिलअप करके इसको बनाया गया है, देख सकते हैं। इस जगह पे कुछ पॉइंट्स अभी बाकी हैं हाईवे के, उसे भी कंप्लीट कर लिया जाएगा। पिलर वगैरह का काम पूरा अच्छी तरह से कंप्लीट कर लिया गया है। पिछली वीडियो में मैं दिखाया था आपको वो जो पिलर का वर्क था वो यहाँ पे नहीं हुआ था, लेकिन अब जो है पूरी अच्छी तरह से कंप्लीट कर लिया गया है। और अब हम चलते हुए बिल्कुल जो है ये जो यू टर्न है वहाँ तक पहुँच चुके हैं। दोस्तों ये जो यू टर्न है ये यू टर्न सीधे जो लोग नोएडा से आ रहे हैं और पांडव नगर और मंडावली की तरफ जिनको जाना हो वो यू टर्न से यहाँ से वो जा सकते हैं,
उनके लिए ये यू टर्न बनाया गया है। ये पहले भी था लेकिन थोड़ा सा हाईवे की वजह से, इसकी तोड़ फोड़ की वजह से बंद कर दिया गया था, लेकिन अब धीरे धीरे इसको फिर से ये कंप्लीट होने के बाद इसको बनाया जा रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, है ना। अभी मैं चलते चलते आपको यहाँ से रिकॉर्ड करके पीछे से आ रहा था, ठीक है। तो देख सकते हैं यहाँ तक सारा वर्क कंप्लीट कर लिया गया है इस हाईवे का। और इसके आगे क्या अपडेट है, चलिए मैं आपको यहाँ के इसके आगे का अपडेट आपको मैं देता हूँ इस हाईवे के रिगार्डिंग। दोस्तों, आप सभी से मेरी तहे दिल से गुजारिश है कि मेरी इस वीडियो में पूरी बने रहें, और अगर मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो दोस्तों प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो देख सकते हैं दोस्तों, इस जगह पे भी जो पिछली वीडियो में ये कंप्लीट नहीं था लेकिन इसको अब कंप्लीट कर लिया गया है। दोस्तों, अभी जो तकरीबन टाइम हो रहे हैं 2:15 हो रहे हैं और टेम्परेचर जो दिखा रहा है अभी यहाँ पे 38 डिग्री दिखा रहा है टेम्परेचर, और फील लाइक जो है अभी यहाँ पे वो बता रहा है 43। दोस्तों, इतनी गर्मी है कि चलते चलते गला मुंह दोनों सूख चुका है, है ना। लेकिन दोस्तों, इस गर्मी की वजह से मैं आपके लिए कोई नया अपडेट हाईवे का नहीं ला पा रहा था। इतनी गर्मी हो रही थी इस अप्रैल मई में महीने में, जैसे लग रहा कि जून जुलाई की गर्मी रहे। लेकिन दोस्तों, फिर भी मैं आपके लिए इस तरह का जो अपडेट है वो हमेशा लाता रहता हूँ। चाहे दिल्ली में कड़ाके की ठंड भी पड़ रही थी तब भी मैंने इस हाईवे का जो अपडेट है वो आपको दिया, दिखाया। और अब भी जो आपकी जो गर्मी पड़ रही है आपकी अप्रैल में, उस समय भी मैं आपको इस हाईवे का अपडेट दे रहा हूँ। दोस्तों, देख सकते हैं ये वही जो लिंक है, जो मेन ट्रेन की हाईवे, जो ट्रेन की जो लाइन है ना, मेन लाइन जो इधर आपकी चली जाती है आपकी हावड़ा की तरफ, आनंद विहार की तरफ, और ये जो लाइन देख रहे हैं ये चली जाती है आपकी जो नई दिल्ली की तरफ। तो अभी हम दोस्तों पूरी लाइन पे आ चुके हैं, अब हम रोड ये लाइन को क्रॉस करके जो है चलते हैं और इसके आगे का जो अपडेट है वो दिखाते हैं। ये देख सकते हैं बीच में ये जगह खाली पड़ी हुई है, इसे फिलअप किया जाएगा पूरा। ये पहले का जो हाईवे था उसका था, ठीक है। अब चल के देख सकते हैं कितने उबड़ खाबड़ रास्ते बने हुए हैं, फिर भी आपको यहाँ का अपडेट देना था इसलिए मैं यहाँ पे आके आपको यहाँ का जो है अपडेट दे रहा हूँ। देख सकते हैं अभी गर्मी इतनी पड़ी है कि अभी लंच टाइम है, इसलिए जो वर्कर्स हैं वो अपना लंच करने के टाइम में लंच कर रहे हैं, और जो भी रेस्ट टाइम होता है उनका रेस्ट कर रहे हैं, उसके बाद फिर वापस ये अपने काम पे लग जाएंगे। दोस्तों, इतनी गर्मी पड़ रही है कि इस गर्मी में काम करने पे लोग बीमार पड़ सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो क्या होती है, शिफ्ट वाइज वर्क होती है, इसकी जो शिफ्ट है शिफ्ट के हिसाब से हर कोई अपना वर्क करते हैं। कुछ जो हमारे मजदूर भाई हैं वो अपनी शिफ्ट के हिसाब से काम पर लगे हुए हैं, ठीक है। कुछ लोग जिनकी शिफ्ट अभी नहीं, वो रेस्ट कर रहे हैं। जैसे ये शिफ्ट इनकी स्टार्ट हो जाएगी तो ये अपनी शिफ्ट पे आ जाएंगे, दूसरी शिफ्ट वाले अपने रेस्ट पे चले जाएंगे, ठीक है। आप देख सकते हैं दोस्तों, अब हम जो है रेलवे लाइन क्रॉस करके जो है अब लाइन के दूसरी तरफ आ चुके हैं, और आप देख सकते हैं कि एक यहाँ पे भी जो है एक यू टर्न है। देख सकते हैं पहले भी यू टर्न था। दोस्तों, ये जो एरिया पीछे इसका, ये कहलाता है लक्ष्मी नगर का स्कूल ब्लॉक। तो दोस्तों, जो लोग स्कूल ब्लॉक से आ रहे हैं और जिनको जो है अब कनॉट प्लेस जाना हो, ठीक है, बाकी गीता कॉलोनी की तरफ जाना हो, तो वो इस तरफ का रास्ता यूज़ करते थे। या जो लोग नोएडा से आ रहे हैं और उनको आपके स्कूल ब्लॉक की तरफ जाना हो तो वो लोग इसका जो है इस्तेमाल करते हैं, इस जो है आपका सर्विस लेन का, ठीक है। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि ये सर्विस लेन पिछली बार बिल्कुल नहीं बनी हुई थी, उसे कंप्लीट कर लिया गया है। और ये दिल्ली जल बोर्ड का पाइपलाइन है, देख सकते हैं कितनी मोटी पाइपलाइन है, और इसी तरह पाइपलाइन से पूरी दिल्ली में जल जो है दिल्ली जल बोर्ड का वो सप्लाई किया जाता है। और देख सकते हैं कि यहाँ तक इन्होंने जो है कितनी मोटी जो कंक्रीट का वॉल बना के इसको जो है खड़ा किया गया है, उसके अंदर फिर इस तरह मिट्टी फिलअप करके
इस तरह का पूरा एक हाईवे का जो एक लुक, एक शकल, एक जो है ना, इन्होंने दिया है इसको NHAI ने। और इस जगह भी जो ड्रेनेज का वर्क अभी होना है और आगे कंप्लीट कर लिया गया है, ठीक है। तो चलिए आपको यहाँ का देते हैं अपडेट। ये देख सकते हैं सामने, ये यमुना का एरिया है, यहाँ पे लोग अपनी खेती भी करते हैं यमुना के किनारे। और ये यमुना मेट्रो वालों की जो है ये फ्लैट्स बने हुए हैं उनके कर्मचारियों के लिए। तो दोस्तों आप सामने देख सकते हैं, चलते चलते हम जो बिल्कुल हाईवे के बिल्कुल पास जो है इंड में पहुंच चुके हैं। और इस जगह पे देखिए साइड वॉल का काम अभी कंप्लीट होना बाकी है, वहाँ आगे तक जो है साइड वॉल लगा दिया गया है। इसके बाद इस पर जो कंक्रीट का वर्क है वो इस पर किया जाएगा इस वॉल पे। उसके बाद इस तरह का जो साइड वॉल है इससे भी कंक्रीट वर्क इस पर होना है, और ताकि एक सेफ्टी जो है जो हाईवे किनारे बनी रहे। देख सकते हैं, मैंने बताया था आपको यहाँ पे हर आपको 2 से 4 मिनट में मेट्रो जो है आती हुई और जाती हुई आपको मिल जाएगी, क्योंकि ये नोएडा और जो आपको द्वारका है उसकी मेन लाइन है, ब्लू लाइन मेट्रो से बोलते हैं। और काफ़ी अच्छी सर्विस है ब्लू लाइन की दिल्ली के अंदर एक ब्लू लाइन और आपका एक येलो लाइन, इसकी दो अच्छी बहुत ही सर्विस है दिल्ली के अंदर। और अर्ली मॉर्निंग ही इसकी सर्विस स्टार्ट हो जाती है और लेट नाइट तक सर्विस रहती है दिल्ली के अंदर आपकी ब्लू लाइन और येलो लाइन की। तो दोस्तों देख सकते हैं ये जो है आपका साइड वॉल उसे भी कंप्लीट कर लिया गया है यहाँ तक। और देख सकते हैं कि जो कंस्ट्रक्शन वर्क है बिल्कुल हाई क्वालिटी का कंस्ट्रक्शन वर्क है इनका। देख सकते हैं कितनी मजबूती के साथ और कितनी मोटी जो वॉल है अराउंड 6 इंच के आसपास का उसे बिल्कुल बनाया जा रहा है। और दोस्तों NHAI अपने जो अच्छे क्वालिटी वर्क के लिए ही पहचानी जाती है, ठीक है, उसमें कोई नो डाउट उसमें कोई डाउट ही नहीं है। और मैं जो आपको बिल्कुल ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहा हूँ उससे इनके वर्क की जो क्वालिटी आप देख के समझ ही गए होंगे, है ना, कि बिल्कुल जो वर्क हो रहा है बिल्कुल लंबे समय के लिए चलने वाली वर्क हो रहा है, ठीक है, कि ये सालों साल चलने वाली वर्क है आप देख सकते हैं, ठीक है। बाकी आगे दिखाया गया कि गांधीनगर के लिए ITU के लिए ये रास्ता आगे से, आप अगर ITU जाना हो तो आप आगे से आप जो है लेफ्ट हो जाइए और गांधीनगर के लिए आप सीधे जा सकते हैं। दोस्तों अब इस हाईवे का रिपोर्टिंग करते करते बिल्कुल जो है मैं अब यमुना बैंक डिपो मेट्रो की जो है लाइन है वहाँ तक मैं अब आपको यहाँ तक रिपोर्टिंग करके आपको लेके आ चुका हूँ, देख ही सकते हैं, ठीक है। तो इस पॉइंट तक जो है काम फिर से कंप्लीट कर लिया गया है आप देख सकते हैं, ठीक है। आपको मैं फिर से एक बार ना कैमरा को जो है ना रोटेट करके दिखाना चाहूँगा कि अभी हम किस पॉइंट पे थे और किस पॉइंट से कहाँ से कहाँ तक आ चुके हैं हम लोग, ठीक है। तो दोस्तों अभी हम उस पॉइंट पे थे बिल्कुल पीछे जो है अक्षरधाम मेट्रो से के आगे जो अक्षरधाम का जो एरिया है जहाँ से स्टार्ट होता है आपका बिल्कुल जो NH9 वहाँ से हमने रिपोर्टिंग करते करते आपको यहाँ का अपडेट देते देते अब मैं बिल्कुल जो है यमुना बैंक डिपो तक आ चुका हूँ। तो यहाँ तक जो रास्ता ये कंप्लीट कर लिया गया है, ठीक है। और ये जो एरिया है जो कहलाता है वो आपका यमुना बैंक डिपो कहलाता है। तो यहाँ तक का जो है एक इस हाईवे के रिगार्डिंग जो है अपडेट था। बाकी हाईवे जो है आगे मैंने बताया था पिछले वीडियो में कि ये जो है आपका यहाँ पे मेट्रो लाइन होने की वजह से वो देख सकते हैं सामने मेट्रो आ रही है लक्ष्मीगढ़ से। काफ़ी हाइट्स पे होने की वजह से हाईवे को बिल्कुल एज इट इज छोड़ दिया गया है ऐसे ही, और ये पूरा हाईवे ऐसे ही रहेगा, यहाँ पे कुछ भी चेंजेस नहीं किया गया है इस जगह हाईवे का। बाकी जो है यहाँ पे चेंजेस कुछ होने थे वो ऑलरेडी कर दिया गया है, क्योंकि हर जगह पे तोड़ फोड़ करके बनाना पॉसिबल नहीं है। देख सकते हैं कि मैं अब यमुना बैंक जो मेट्रो की डिपो है और मेट्रो स्टेशन है
अब वहाँ तक मैं इसकी जो है हाईवे की जो अपडेट देने दे दिया है मैंने आपको यहाँ तक का। पहले भी पिछले वीडियो में दिया था, ये नया अपडेट है, आप देख सकते हैं। और ये सामने रास्ता जो है आपकी गीता कॉलोनी लोनी होते हुए ये हाईवे जो है आपका देहरादून चले जाएगी दोस्तों। तो फ्रेंड्स, ये अपडेट था जो है आपका जो अक्षरधाम जो मंदिर है वहाँ पे, जो आपकी जो NH9 है जो दिल्ली से मेरठ की तरफ से आ रही है, वहाँ से जो ये हाईवे बनने वाली है ये फेज़ वन का दिल्ली से देहरादून के लिए, उसके रिगार्डिंग ये दोस्तों ये अपडेट था आपको अभी तक का यहाँ तक का। दोस्तों, इस तरह की वीडियो बनाने में बहुत ही मेहनत करनी पड़ती है, देख सकते हैं दोपहर में इतनी गर्मी हो रही है, फिर भी मैं टाइम निकाल के एक वीडियो बना रहा हूँ और अपडेट कर रहा हूँ। दोस्तों, मेरी मेहनत अगर आपको अच्छी लग रही हो दोस्तों, तो आप लोगों से तहे दिल से गुजारिश है कि प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को ज़्यादा देख के ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, ताकि मैं आपके लिए और भी ऐसे वीडियो बनाता रहूँ। दोस्तों, आपके एक लाइक से, आपके सब्सक्राइब से और आपके वीडियो शेयर करने से, देखने से मुझे काफ़ी मोटिवेट होता हूँ दोस्तों, और काफ़ी मुझे अच्छा लगता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, एक छोटी सी ये इंफॉर्मेशन थी रिगार्डिंग थी इस हाईवे के अपडेट के रिगार्डिंग, जो इसकी जो सर्विस लेन थी उसके बारे में मैंने आपको जो अभी दे दिया। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद आपका तहे दिल से मेरी ये पूरी वीडियो देखने के लिए। धन्यवाद, आपका दिन मंगलमय हो।